नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे जहां पर प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। गुजरात ना गामडा ना लोको बराबर जाने छे। अपना आदिवासी पट्टा में तो के साहेब नेवा ना पानी मोबे थोड़ा चढ़े, अमे तो टेकराला बस्ती में रहता हुई है और हमारे त्या पानी क्या थी ऊपर आवे। आ पानी ना संकट ने पण आपणे पड़कार झीली लीधो अने भले नेवा ना पानी मोबे चढ़ावा पड़े चढ़ाव्या, अन्य पानी घेर घेर पहुंचाड़वा माटे जेमत करी अने आजे नळथी जल आवे एनी व्यवस्थाओ करी। नहीं तो एक हेन्डपंप लगावे त्रण महीना में बगड़ी जाए अने त्रण वर्ष सुधी रिपेर न थाय, ए दिवसों आपणे भूतकाळ में जोता था भाई। अने पानी शुद्ध न होय तो अनेक बीमारियों लईने आवतुं होय छे अने बाळकोना विकास ने पण रूंधतुं होय छे। आजे घर घर गुजरात में पाइप थी पानी पहुंचाड़वा माटेनो ए भगीरथ प्रयास आपणे सफलतापूर्वक कर्यो छे। अने हुं जे गुजरात में काम करता करता शीख्यो, आपनी वच्चे रहीने मने जे शीखवा मळ्यु, आपनी जोड़े खभे खभो मिलावीने जे कामों में कर्या ने, ये आजे मने दिल्ली में खूब आवे काम। भाईओ तमे तमारा गुरुजन छो, तमे मने जे शीखवाड्यो ए हुं त्यां जारे लागू करूं त्यारे लोकोने लागे छे कि भाई आ खरेखर साचा प्रॉब्लम नो तमे सोल्यूशन लई आया छो। एनु कारण तमारी वच्चे रहीने मैं सुख दुख जोया छे अने एना रस्ता शोध्या छे। चार वर्ष पहला जल जीवन मिशन आपणे शुरू कर्यु, आजे 10 करोड़, जरा विचार करो, आ माताओ बहनों 3-3 किलोमीटर पानी लेवा माटे बलखा मारवा पड़ता होय, आजे 10 करोड़ परिवारों में पाइप थी पानी घर में पहुंचे छे, रसोड़ा सुधी पानी पहुंचे छे। भाईओ आशीर्वाद माताओ बहनों आपे एनु कारण आ छे। तो प्रधानमंत्री को सुन रहे थे आप, किस तरीके से वो नल जल योजना की बात कर रहे थे। उनकी तरफ से कहना है कि 10 करोड़ घर ऐसे हैं जहां पे नल से जल जाने की योजना लगातार जारी है और आगे भी इसका आंकड़ा बढ़ाया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लंदन दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 2 बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि लंदन में हुई बैठक के दौरान 3,000 करोड़ का MOU साइन किया गया है, जिसमें पहले दिन फ्रांसीसी कंपनी पोमा ने रोपवे केबल कार का 2,000 करोड़ का MOU साइन किया, तो वहीं दूसरे दिन उषा ब्रेको लिमिटेड के साथ 1,000 करोड़ का MOU साइन किया गया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने बताया कि उत्तराखंड के विकास के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है। आने वाले दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है, जिसमें उद्योगपति अपना सहयोग देने के साथ ही उत्तराखंड वासियों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। और बाजपुर में NIA की टीम की छापेमारी लगातार जारी है, जहां खालिस्तान समर्थकों को मदद पहुंचाने वाले लोगों के घर NIA की टीम के द्वारा छापेमारी कर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि बाजपुर के ग्राम धनसारा में शकील अहमद के घर पर छापा मारा गया है। सूत्रों की माने तो शकील अहमद बाजपुर में एक गन हाउस की दुकान चलाता है और खालिस्तान समर्थकों को अवैध तरीके से असलाह सप्लाई करता है। तो वहीं सुबह से ही NIA की टीम ने बाजपुर में डेरा डाला हुआ है और लगातार पूछताछ कर रही है। डेंगू की बीमारी के बढ़ते प्रकोप के बीच डेंगू की रोकथाम करने के प्रति नगर आयुक्त मनोज गोयल एक्शन मोड में है। नगर निगम द्वारा लगातार घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं निर्माणाधीन भवनों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। डेंगू का लार्वा मिलने पर लार्वा को खत्म करने के साथ ही चलानी कार्रवाई भी की जा रही है। अधिकारी को सूचना मिली कि डलनवाला में सड़क पर लगभग 30 टन ग्रीन वेस्ट और काफी मात्रा में सामान पड़ा हुआ है। ग्रीन वेस्ट से काफी दुर्गंध आ रही है
है और इन सामानों में पानी जमा हुआ है जिसमें डेंगू मच्छर के लार्वा पनपते पाए गए। इसी को देखते हुए उपरोक्त व्यक्ति पर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 5 लाख रुपए की चालानी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के सफाई निरीक्षक को तत्काल ग्रीन वेस्ट पर अनुपयोगी सामान को निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। और देहरादून जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद डोईवाला तहसील प्रशासन अवैध खनन व भू माफियाओं को लेकर सख्त हो गया है। उप जिलाधिकारी के निर्देशों पर तहसील प्रशासन की टीम अवैध प्लॉटिंग व सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले कब्जाधारियों पर कार्रवाई करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर तहसील प्रशासन की टीम द्वारा अवैध खनन कारोबारियों पर भी नकेल कसा जा रहा है। 2 दिन पूर्व डोईवाला के भानियावाला में अवैध तरीके से की गई प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया गया। बुधवार सुबह तहसील प्रशासन की टीम द्वारा दुदली क्षेत्र के सुसवा नदी में अवैध खनन कार्य में जुटी 4 ट्रैक्टर ट्रोलियों को पकड़कर सीज किया गया। इससे पहले भी तहसील प्रशासन द्वारा लगातार अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए किस तरीके से भूमाफियाओं के यहाँ पे जो पैर पसारे जा रहे हैं उनको अब सरकार ध्वस्त करने में लगी हुई है। एक के बाद एक सरकार का एक्शन निकल के सामने आ रहा है। प्रशासन द्वारा यहाँ पे सख्ती की जा रही है। कई ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं जिनको प्रशासन ने जब्त कर लिया है और यहाँ पे लगातार उनकी तरफ से एक के बाद एक कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और भू माफियाओं के जो हौसले बुलंद हो रहे थे अब ध्वस्त होते हुए नजर आ रही हैं। ये पहला मामला नहीं है जो प्रशासन की तरफ से एक्शन देखने को मिला। इससे पहले भी कई ऐसे भू माफिया है जिनके खिलाफ नकेल कसी जा रही थी और लगातार ये आगे भी जारी रहेगी। ये तमाम प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से कहना है। फिलहाल तहसील डोईवाला में 4 ऐसे ट्रैक्टर टोलियां हैं जो कि यहाँ पे भू माफियाओं के द्वारा अंजाम दिए जा रहे थे। एक गांव से दूसरे गांव में ले जाया जा रहा था जिनको बीच में धरपकड़ कर लिया गया और ये एक के बाद एक एक्शन जारी रहेगा, ये अधिकारियों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। डीएम मैडम के निर्देश के अनुसार हम लोग कंटिन्यूसली जो अवैध खनन करता है और जो भू माफिया है उनके खिलाफ हम कंटिन्यूस कार्रवाई कर रहे हैं। कर्णप्रयाग में अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों ने कहा है कि डेंगू जैसी गंभीर बीमारी के बाद भी स्वास्थ्य विभाग जाग नहीं रहा है। बुधवार को पूर्व जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को ज्ञापन देते हुए कहा है कि पिछले कुछ दिनों पहले कर्णप्रयाग अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के चलते गांधीनगर की 24 वर्षीय प्रीति की मौत हो गई थी। जिन डॉक्टरों द्वारा इलाज में लापरवाही की गई उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वही जनता ने आक्रोश जताते हुए कहा कि सरकार गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं लाई है लेकिन कर्णप्रयाग इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन मरीजों से 20 से 25 हजार की मोटी रकम लेकर ऑपरेशन करा रहा है, तो वही अस्पताल में बाहर से दवाइयां भी मंगाई जा रही है। इसके अतिरिक्त जो भी शिकायत है कि कर्णप्रयाग में जो लगातार कई वर्षों से जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, डॉक्टरों ने जो यहां पर भ्रष्टाचार यहां पर जो करा हुआ है, जो अभद्रता लगातार यहां पर मरीजों के साथ की जा रही है, और शिमली का जो बेस अस्पताल विगत एक वर्ष के तैयार होने के बावजूद भी 50 बेड तैयार होने के बावजूद भी वहाँ पर अस्पताल को चालू नहीं किया जा रहा है, और आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी मरीजों से 20 से 25 हजार रुपये ऐंठे जा रहे हैं। इसके खिलाफ आज हमारे युवा साथी एसडीएम साहब को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए यहां पर आए हैं। और टनकपुर चंपावत एनएच पर 8वां मील के पास गुलदार की दहशत बरकरार है। क्षेत्र में सक्रिय गुलदार ने बाइक सवार दंपत्ति पर हमला कर घायल कर दिया। गनीमत रही कि हमले में वो बाल बाल बच गए। घायल महिला बीडीसी सदस्य बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज लगातार जारी है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष LM कुंवर ने बताया कि पीछे से वाहन आ गया जिस कारण गुलदार भाग गया और दोनों की जान बच गई, वरना
गंभीर हादसा हो सकता था। बता दें कि राहगीरों ने प्रशासन व वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने बताया है कि गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग को निर्देशित किया गया है। लगता है कि वो समस्या ज्यादा विकेट होगी तो फिर जो हमारे प्रोफेशनल जो आते हैं हंटर्स आते हैं उनकी भी रिक्वेस्ट की जाएगी। फिलहाल अभी वन विभाग अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। सर संभावना कभी भी रहती है, हम लोग भी प्रयास करेंगे ना, हम कामना भी करेंगे इससे कोई दुर्घटना ना हो। गुलदार द्वारा 8वीं मील के आसपास जो है हमला करने की लगातार 2-3 घटनाएं भी हुई हैं, तो इसी दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए 8वीं मील के पास में कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं और साथ ही जो है 2 पिंजरे भी इंस्टॉल किए गए हैं। विभागीय वनाधिकारी चंपावत के दिशा निर्देशन के अनुसार ये सारी कार्रवाई की जा रही है ताकि गुलदार को जल्द से जल्द पिंजरे में कैद कर उसे रेस्क्यू सेंटर भेजा जा सके और लोगों को जो है इससे निजात भी मिल जाए। फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी जिले के धनारी क्षेत्र के पीपली में यूपी निर्माण निगम का बड़ा कारनामा सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि साल 2012 से 13 में यहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन निर्माण एजेंसी ने केवल एक कच्ची सड़क खोदने के अलावा 10 सालों तक यहां पर एक ईंट तक नहीं लगाई है, लेकिन इसके एवज में निर्माण एजेंसी को करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र पवार का कहना है कि जब यहां पर कोई काम नहीं हुआ तो उन्होंने इसके लिए आरटीआई से जानकारी मांगी, जिसके तहत उन्हें जानकारी मिली कि संबंधित विभाग को 3 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। वहीं इस मामले में भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी का कहना है कि उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल से कार्यदायी यूपी निर्माण निगम की शिकायत की है। ये हम धनारी के लगभग 28 ग्राम सभाओं का ये विद्यालय है, लगभग 55 गांव धनारी में आते हैं और ये स्कूल पॉलिटेक्निक विद्यालय 2012-13 में धनारी के लिए खोला गया था और वर्तमान समय में ये विद्यालय राजकीय कॉलेज पिपली के आवासीय भवनों में चल रहा है और 2012-13 से लेकर इसके लिए आवास के लिए पर्सन प्लस स्कूल के विद्यालय भवन के लिए पैसा पॉलिटेक्निक ने उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को जारी किया था। जब इन्होंने वहाँ पे कुछ काम नहीं किया, एक कच्ची सड़क बनाई, तो कई दिनों के बाद जब हमें लगा कि यहाँ पे कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा तो मैंने सूचना के अधिकार के तहत प्रधानाचार्य राज्य पॉलिटेक्निक पिपली से मांगा था कि भाई क्या मामला है, इनको पैसा कितना जारी हुआ कितना, तो उन्होंने और सूचना के अधिकार के तहत हमें ये ज्ञात हुआ है कि उन्होंने लगभग 200,001.5 करोड़ रुपए लगभग एक इनको जारी कर दिया है और इसके बावजूद भी वहाँ पर निर्माण निगम ने कोई कार्य आज तक नहीं किया है। वहाँ पर धरातल पे अभी तक कुछ एक कच्ची सड़क उन्होंने बनाई, प्लेंथ बना दी, उसके बाद इन्होंने वहाँ से अपनी निर्माण सामग्री हटा दी। हटोई वाले के शहीद दुर्गा माल के राजकीय महाविद्यालय में आर्ट फैकल्टी में लंबे समय से शिक्षकों की कमी से छात्र परेशान है, जिसको लेकर बुधवार को छात्र संगठन NSUI के बैनर तले एकत्रित हुए और फिर डोईवाला के उपजिलाधिकारी के दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। उसी दौरान छात्राओं ने उपजिलाधिकारी राज्यपाल कुलाधिपति को श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग की। बता दें कि आर्ट फैकल्टी न होने से छात्रों की परीक्षा में बैक आ रही है, तो वही NSUI संगठन के छात्र नेताओं का कहना है कि अगर जल्द उनके शिक्षकों की मांग पूरी ना की गई तो वो उग्र आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के बाजपुर में NIA की टीम ने छापा मारा है। बता दें कि खालिस्तान समर्थकों को मदद पहुंचाने वाले लोगों के घर NIA की टीम की रेड लगातार जारी है। बाजपुर के ग्राम धनसारा में शकील अहमद के घर छापेमारी हुई है। शकील अहमद बाजपुर के एक गन हाउस को चलाता है, दुकान खालिस्तान समर्थकों को अवैध तरीके से असलाह सप्लाई करता है। शकील अहमद से NIA की टीम पूछताछ कर रही है। और देहरादून के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने देश के आर्थिक हालातों के चलते केंद्र सरकार को घेरा। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जो विकास का मॉडल केंद्र सरकार ने दिखाया था वो खोखला साबित होते हुए नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आर्थिक न्याय पर कार्य करेगी।
पर्यटन नगरी रानीखेत में स्वच्छता दिवस पर एसएसबी के जवानों ने नगर में स्वच्छता को लेकर एक रैली निकाली। बता दें कि जिसमें एसएसबी के अधिकारी सहित कई जवान शामिल हुए, साथ ही छावनी परिषद के कर्मचारियों के साथ सीईओ कुणाल रोहिला ने रानी झील पर भी सफाई अभियान चलाया। इस दौरान सभी ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और डोईवाला के शहीद दुर्गा माल के राजकीय महाविद्यालय में आर्ट फैकल्टी में लंबे समय से शिक्षकों की कमी से छात्र परेशान है, जिसको लेकर बुधवार को छात्र संगठन एनएसयूआई के बैनर तले एकत्रित हुए और फिर डोईवाला के उपजिलाधिकारी के दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। उसी दौरान छात्राओं ने उपजिलाधिकारी, राज्यपाल, कुलाधिपति को श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग बताई। बता दें कि आर्ट फैकल्टी न होने से छात्रों की परीक्षा में बैक आ रहे हैं, तो वहीं एनएसयूआई संगठन के छात्र नेताओं का कहना है कि अगर जल्द उनके शिक्षकों की मांग पूरी ना की गई तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तीन साल से ज्यादा अधिक वर्ष हो चुका है जो हमारे एचडीएमपीजी कॉलेज है, उसमें कला शिक्षा चित्रकला की टीचर नहीं है, तो मैंने भी चित्रकला सब्जेक्ट था जो मैंने तीन साल पढ़ चुका हूँ और मेरा ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट से हुआ, पर टीचर ना होने के कारण मुझे बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। जैसे मैं ऑनलाइन से पढ़ के अपना पेपर क्लियर करके ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भविष्य में जो हमारे बहन भाई हैं उनके पास कला का सब्जेक्ट है ड्राइंग का, तो उनको इस समस्या ना आना पड़े और इनको भी कहते। योगिता कोहली है, मैं एसडीएमपीजी कॉलेज की छात्र हूँ। तो हमारे कॉलेज में टीचर की कमी है, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक ज्ञापन दिया है कि टीचर की कमी है, बीकॉम का टीचर नहीं है और बाकी आर्ट्स के हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, उनके भी टीचर है नहीं, तो बस ये चाहेंगे कि जल्दी जल्दी हमारा जो ज्ञापन है वो एक्सेप्ट करें मैम। और हाँ जी, पढ़ाई नहीं होती, जब टीचर नहीं होगा तो पढ़ाई तो नहीं होगी, फिर बच्चे कभी ऑनलाइन ही पढ़ते, किसी को समझ नहीं आता या फिर किसी की बैग लग जाती है, तो बस ये चाहेंगे कि जल्दी जल्दी टीचर की डिमांड हमारी पूरी हो। और हरिद्वार में राजकीय डिग्री कॉलेज खोल दिया गया, लेकिन कॉलेज के लिए अभी तक जमीन नहीं मिल पाई है। बता दें कि कॉलेज एक आश्रम के 5 कमरों में चल रहा है, जिसमें 285 छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं, जिनको बैठाने के लिए कॉलेज प्रबंधन को टीन शेड की व्यवस्था करनी पड़ रही है। तो वहीं हरिद्वार नगर निगम ने डिग्री कॉलेज के लिए जमीन का आवंटन तो कर दिया है, लेकिन जमीन मेला क्षेत्र की होने की वजह से शासन से मंजूरी नहीं मिल पाई। हालांकि उच्च शिक्षा मंत्री के मुताबिक जमीन को कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी और जैसे ही जमीन आवंटन की मंजूरी मिलेगी उसके एक सप्ताह में कॉलेज का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि पिछले 2 सालों से डिग्री कॉलेज को जमीन देने की कवायद चल रही है, लेकिन अधिकारियों की हिला हवाली छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर भारी पड़ रही है। शासन को प्रेषित किया गया है मेलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा और उम्मीद यह है कि नगरी विकास सचिव के माध्यम से ये प्रकरण जो है स्वीकृत हो जाएगा और उसके बाद जो है भूमि, देखिए राजकीय महाविद्यालय की भूमि जैसे मिलेगी हम उसी एक हफ्ते बाद वहाँ का काम शुरू कर देंगे। और मैंने माननीय जिलाधिकारी से भी कहा है कि जल्दी हमको ज़मीन मिल जाए, क्योंकि बहुत बच्चे हो गए हमको हर बार। देखिए ऐसा है कि ज़मीन तो जिला प्रशासन को देना है और चूँकि यहाँ पे ज़्यादातर भूमि जो है मेला क्षेत्र की है, तो हो सकता है कि कैबिनेट तक जाना पड़े उसको, तो जैसे मिलेगी हम पैसे भी दे रखे, हमने काम शुरू होगा। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आज इंटरनेशनल विंटर डेस्टिनेशनल ओली में स्वच्छता की ही सेवा पखवाड़े के तहत क्लीन एंड ग्रीन ओली कैंपेन आयोजित किया गया, जहां पर्यटन कारोबारी दिनेश भट्ट को क्लीन ओली ग्रीन ओली अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जिन्हें 2 अक्टूबर को सम्मानित किया जाएगा। दिनेश भट्ट पिछले कुछ सालों से लगातार ओली गौरसो खुलारा इको ट्रैक से करीब 1500 किलोमीटर प्लास्टिक गार्बेज कलेक्ट करके नगर पालिका जोशीमठ को सौंप कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपना दायित्व कर निर्वहन कर रही हैं। साथ ही उन्होंने ओली में अपना होम स्टे चलाकर पिछले 3 वर्षों के पर्यटन सीजन में भी आजीविका संवर्धन का काम किया है, जिसके चलते उन्हें स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बता दें कि ईओ नगर पालिका भारत भूषण पवार ने बताया कि ऐसे पर्यावरण प्रेमी सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए।
बस की शुभकामनाएं दूंगा। और साथ ही आज हम लोगों ने पर्यटन से समस्त जुड़े हुए जितने भी लोग थे, हम लोगों ने एक मिल्क एक सफाई अभियान यहाँ पे चलाया और हमने देखा कि काफ़ी मात्रा पे यहाँ पे गार्बेज मिला, जिसमें कि ज़्यादातर पानी की बोतल है और जूस की बोतल है, इस टाइप से हमको ज़्यादा गार्बेज मिले जो कि यहाँ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। लोगों की जो पूरी टीम थी स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन चमोली की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे आप देखोगे यहाँ पर तो पूरा का पूरा ट्रक भर चुका है यहाँ पर नगर पालिका का जो कबाड़ का है। तो इसमें सभी लोगों के साथ हम लोग मिल करके प्रयास कर रहे थे, इसमें नगर पालिका जोशीमठ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और हमारे कई स्थानीय एथलीट स्कीइंग से और एडवेंचर से जुड़े हुए तमाम पर्यावरण प्रेमी, तो इनका सबका बहुत अच्छा प्रयास रहा और हम आज ही तक इसको सीमित न रखें और हम इसमें आगे आने वाले समय में भी हम इसमें प्रयास करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।